के डिफरेंट जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं जो बिलोंग करते हैं डिफरेंट एथनिक ग्रुप से उनका आपस में इंटीग्रेशन uh, uh, कितना है और वो कितने एक दूसरे से डिस्टेंट टू ईच अदर हैं एंड दिस स्केल मेजरिंग द सोशल डिस्टेंस बिटवीन टू और मोर सोशल ग्रुप्स बाय हैविंग मेंबर्स ऑफ वन ग्रुप इंडिकेट द लिमिट ऑफ देयर कंफर्ट विद वेरियस टाइप्स ऑफ सोशल इंट्रैक्शन और क्लोजनेस विद मेंबर्स ऑफ अदर ग्रुप्स तो इस स्केल में जो है हम जो डिफरेंट इंटरेक्शन पॉसिबल हो सकते हैं एक ग्रुप के दूसरे ग्रुप के साथ उनके उनको जज करते हैं जो कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स के उनको कहते हैं कि अगर आप इस तरह का इंटरेक्शन करें दूसरे एथनिक ग्रुप के साथ तो आप उसको आ, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे एज यस और एज अ नो सो देर इज़ अ वन स्टडी वांस टू फाइंड आउट हाउ सोशली डिस्टेंस फ्रेशमैन कॉलेज स्टूडेंट फील फ्राम एक्सचेंज स्टूडेंट्स फ्राम टू डिफरेंट कंट्रीज नाइजेरिया एंड जर्मनी ये एक स्टडी है जिसमें रिसर्चर ने ये कोशिश की जानने की कि जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं न्यू कमर्स होते हैं कॉलेज में वो वो स्टूडेंट्स जो कि यूरोप में आए हुए हैं नाइजेरिया से और जर्मनी से उनके से कितने सोशली डिस्टेंट हैं और उसमें उन्होंने देखा कि शी वांट्स टू सी वेदर स्टूडेंट्स फील मोर डिस्टेंस फ्रॉम स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम अफ्रीका और फ्रॉम यूरोप यानी उसमें वो किन से ज़्यादा डिस्टेंस है अफ्रीकन स्टूडेंट्स से या यूरोपियन स्टूडेंट्स से तो उन्होंने जो है ये फाइव आइटम यूज़ की जो कि डिफरेंट uh, जो है uh, Uh, जो इंटरेक्शंस uh, को मैय कर रही है जैसे कि एज़ अ विज़िटर टू योर कॉलेज फॉर अ वीक अगर एक अफ्रीकन uh, जो है uh, जो है वो आया है आपके कॉलेज में फॉर अ वीक या एक uh, जो है यूरोपियन है जो आपके कॉलेज में आया है फॉर अ वीक तो आप उसके साथ इंटरेक्ट uh, करना चाहेंगे एज़ इन शेप ऑफ येस और नो फिर अगर वो फुल टाइम स्टूडेंट है आपके कॉलेज में एक नाइजेरियन या एक जर्मन तो आप उससे इंटरेक्शन करना चाहेंगे तो आपका क्या आंसर है इन शेप ऑफ अ यस एंड नो और आप क्या उसके साथ इकट्ठे क्लासेस लेना चाहेंगे या आप उसको क्लास में उसके साथ बैठना चाहेंगे या आप जो है उसके साथ एक डॉर्मेट्री शेयर करना चाहेंगे तो ये डिफरेंट इंट्रैक्शन के पैटर्न्स हैं कॉलेज स्टूडेंट्स के जिसमें उन्होंने जो है नेटिव यूरोपियंस से स्टूडेंट्स थे उनसे पूछा कि अगर कोई जर्मन आए और अगर कोई नाइजेरियन आए तो आप इसमें से उनके साथ कौन सा इंटरेक्शन करना चाहेंगे और कौन सा इंटरेक्शन नहीं करना चाहेंगे तो आ, जब इसके रिजल्ट्स आए तो उसमें आ, ओ, ये पता चला कि जो है जो बेसिक इंटरेक्शन है इन का या एज अ विज़िटर वो तो नाइजेरियन कम्युनिटी से कोई हो या कोई जर्मन हो वो तो हंड्रेड परसेंट ही है मगर अगर उन्हें आ, जो है सेम डोमेट्री शेयर करनी है तो कंपैरेटिवली जो नाइजेरियन स्टूडेंट की तरफ रिस्पांस है वो कम है एज़ कंपेयर टू द जर्मन स्टूडेंट्स मींस टू से दैट के जो यूरोपियन स्टूडेंट्स हैं वो डिस्टेंस ज़्यादा है नाइजेरियन स्टूडेंट से एज कंपेयर टू द जर्मन स्टूडेंट इसी तरह अगर आप रूममेट की फ्रीक्वेंसी देखें तो जो है वो जो वहाँ के लोकल यूरोपियन स्टूडेंट्स थे उन्होंने ये समझा कि वो रूम शेयर कर सकते हैं जर्मन स्टूडेंट्स के साथ एज़ कम्पेयर टू द नाइजेरियन स्टूडेंट्स तो इस तरह हम जो है बोगाडस सोशल डिस्टेंस स्केल यूज़ करते हुए किसी भी एथनिक ग्रुप का दूसरे एथनिक ग्रुप के साथ जो है वो देख सकते हैं कि व्हाट काइंड रिलेशनशिप वन एथनिक ग्रुप है विद द अदर एथनिक ग्रुप तो जहाँ पे एथनिक डायवर्सिटी है वहाँ पे ये स्केल यूज़ किया जा सकता है इन ऑर्डर टू मैयर दाइवर्सिटी ऑफ द कम्यूनिटी तो आ, आ, ये आ, जो है किसी तरह की भी सोसाइटी हो आ, वो डेवलप्ड सोसाइटी हो डेवलपिंग सोसाइटी हो या अंडर डवेल्प सोसाइटी हो हर तरह की सोसाइटी में आ, जो है डिफरेंट एथनिकीज के लोग रहते हैं और उनका आपस में इंटीग्रेशन का लेवल क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है अगर कोई सोसाइटी जो है वो प्रोग्रेस कर रही है अगर वहाँ पे जो है जो है, जो है जो है मेरिटोक्रेसी है और वहाँ पे जस्टिस है तो वहाँ पे फिर एथनिक डाइवर्सिटी को भी एक्सेप्ट किया जाता है और इसी तरह ऑन द कॉन्ट्रेरी एथनिक डाइवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं की जा सक जाती उन सोसाइटीज़ में जिसमें ये दूसरी वैल्यूज़ नहीं है तो ये एक अच्छा इंडिकेटर है अब सोशल डिस्टेंस स्केल को यूज़ करते हुए हम किसी भी कम्युनिटी की जो है वो एथनिक डाइवर्सिटी को मैयर कर सकते हैं और ये स्केल पर्टिकुलरली सोशल डिस्टेंस को मैयर करने के लिए बना है तो स्टूडेंट्स हमने जो है आ, अपने जो पांचों स्केल्स हैं लिक्विड स्केल, है, स्केल थर्सटोल स्केलिंग गुटमन स्केल्स मेंटिक डिफरेंशियल स्केल और बुगाड़े सोशल डिस्टेंस के स्टडी कर लिए हैं और इन हमारा जो नेक्स्ट वड्यूल होगा उसमें हम बात करेंगे रिलायबिलिटी की